हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रिचा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्वाद और सेहत से भरपूर लौकी के पराठे। बच्चे हों या बड़े, उनको कुछ भी हेल्दी खिलाना बहुत ही मुश्किल होता है, पर इस तरीके से आप बच्चों को या फिर अपने घर में जो भी बड़े हैं जो लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं, बहुत ही आसानी से लौकी खिला सकते हैं। स्वाद और सेहत से भरपूर इन पराठों को आप बच्चों के टिफ़िन में डालकर दे सकते हैं, सुबह के नाश्ते में इंजॉय कर सकते हैं, या फिर जब कहीं सफ़र में जा रहे हो तो इस तरह से बनाकर सफ़र के लिए भी इनको तैयार किया जा सकता है। इन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इनकी रेसिपी। पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे कद्दूकस की हुई लौकी। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम लौकी ली है, जिसको मैंने छील कर अच्छे से धो लिया था और उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। जब भी आप पराठे बनाएं, लौकी को साथ साथ ही कद्दूकस करें। अगर आप कद्दूकस करके रख देंगे तो लौकी काली पड़ जाएगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप गेहूं का आटा। जिस हिसाब से ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम यहाँ पर गेहूं का आटा ऐड करेंगे। तो अभी हम ऐड करेंगे इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्च यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब ऐड करेंगे 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। आप चाहे तो यहाँ पर अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं हाथों से क्रश करके। और अब ऐड करेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 छोटा चम्मच नमक। यहाँ पर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। साथ ही ऐड करेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 चम्मच ही अमचूर पाउडर भी ऐड कर देंगे। और अब ऐड करेंगे ऑयल। तो यहाँ पर आपको ऑयल थोड़ा सा गर्म करके यूज़ करना है। 1 से 2 चम्मच ऑयल भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, इससे हमारे जो पराठे हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। और अब हाथों से मसलते हुए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हमें इसका डो बनाकर तैयार करना है। हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, लौकी से जो भी मॉइस्चर रिलीज़ होगा उसी में हमारा आटा लगकर तैयार हो जाएगा। आटा मुझे थोड़ा गीला लग रहा था, इसलिए इसमें 1/2 कप आटा मैंने और ऐड कर दिया है। और अब फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से डो बनाकर तैयार करेंगे। टोटल हमने यहाँ पर 1.5 कप आटा ऐड किया। आपको थोड़ा कम या ज़्यादा आटा भी लग सकता है, जितना लौकी मॉइस्चर रिलीज़ करेगी उसके अकॉर्डिंग आपको आटा यहाँ पर लेना होगा। तो यहाँ पर हमारा आटा लग चुका है। अब हम इसमें फिर से ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच ऑयल और ऑयल को फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे और हाथों से मसलते हुए आटे को थोड़ा चिकना कर लेंगे। आटे को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जिससे आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। पर हमें इसको बाहर नहीं रखना है, तो इस तरह से एक बॉल में रखेंगे और उसके बाद हम इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए। अगर आप इसको बाहर रख दोगे तो लौकी अपना मॉइस्चर रिलीज़ करना फिर से स्टार्ट कर देगी और जो हमारा आटा है काफ़ी पतला हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 मिनट रेस्ट करने के बाद अब हम इसकी लोई बनाएंगे। तो जिस तरीके से हम रोटी की लोई बनाते हैं उसी तरीके से हमें इसकी लोई बनाकर तैयार करनी है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा और इसको हम रोल कर लेंगे। आप अपनी मनपसंद शेप में इसको बेल सकते हैं। मैं यहाँ पर आज गोल पराठे ही बना रही हूँ, तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा आटा लगाते जाएंगे, सूखा आटा लगाते जाएंगे और बेलते जाएंगे। तो इस तरीके से हमें इसकी पतली सी रोटी बनाकर तैयार करनी है। ये आटा थोड़ा गीला रहता है, इसलिए हमें इसको थोड़ा हल्के हाथों से ही बेलना होता है। अब तवे को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। गर्म तवे पर हम पराठे को डाल देंगे और हम एक तरफ से जब ये सिक जाएगा तब हम इसको पलट देंगे और इसमें ऑयल लगाएंगे। आप यहाँ पर देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं वो यहाँ पर लगा सकते हैं। ऑयल को अच्छे से पूरे पराठे पर स्प्रेड कर देंगे और फिर पलट देंगे और वापस से हम पीछे की साइड भी ऑयल लगा देंगे। दोनों साइड से एक बढ़िया सा कलर आने तक अब हम पराठे को सेक लेंगे और सारे पराठे हम इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। अब बच्चों को लौकी खिलाना बहुत मुश्किल नहीं है, आप इस तरह से पराठे बनाइए, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने कब में लौकी खा ली। और इस तरीके से आप अपने बच्चों को पोषण दे सकते हैं। तो सुबह सुबह ये पराठे बनाइए, बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है ये। गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम टू हाई होना चाहिए, हाई फ्लेम पर नहीं बनाएंगे इन पराठों को। जब आप इस तरह से प्रेस करते हुए पराठों को सेकते हो तो पराठे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा पराठा सिक चुका है, इसी तरीके से हम बाकी के पराठे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना आसान है इन पराठों को बनाना। आप कब बना रहे हैं ये पराठे और आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे, इन्जॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।